हेलो गाइस, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो। तो वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। तो सबसे पहले मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है और उसे 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है और फिर शोल्डर के लिए 6 इंच पर मार्क करा। 6 इंच पर निशान लगाने के बाद हमने आर्म होल के लिए 6 इंच पर निशान लगाया। दोनों निशान 6 इंच पर है और फिर 1/2 इंच का मार्क करके आर्मोल की गोलाई दी। फ्रंट आर्मोल की गोलाई 1/2 इंच रहेगी और बैक की 1 इंच। फिर मैंने 15 इंच पर एक निशान लगाया जहाँ पर मैं बेस्ट के लिए मार्क करूँगी और फिर चेस्ट के लिए मार्क करा मैं 8 इंच। फिर मैंने यहाँ पे चेस्ट के लिए 8 इंच पर मार्क किया है और वेस्ट के लिए 6.5 इंच पर मार्क किया है। और फिर क्या करना है, हमें ऊपर से 4 इंच पर निशान लगाते हुए तिरछे में 3 इंच पर मार्क करना है और फिर सीधे वेस्ट तक मिला देना है। फिर इसके बाद 2 इंच का हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे जो फिटिंग के लिए रहेगा हमारा। और फिर नीचे तक हमें टोटल लेंथ जितनी आपको रखनी है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 42 इंच पर निशान लगाया है टोटल लेंथ। और फिर ये जो हमने वेस्ट तक सीधे लाइन खींची थी उसको नीचे तक मिलाते हुए नीचे तक लाइन खींची है। फिर उसके बाद उसी लाइन से हम 9 इंच पर मार्क करेंगे और फिर इसको भी मिला देंगे। फिर 1 इंच थोड़ा सा ऊपर तिरछा करते हुए इस टक्स पॉइंट को हम फिर बाद में स्टिच करेंगे। तो तिरछा करते हुए लाइन लास्ट तक खींचेंगे जहाँ तक हमने मार्क किया था और फिर उसको नीचे तक जैसे वीडियो में देख रहे हैं उस तरीके से लाइन सीधी लाइन खींचेंगे और फिर थोड़ी सी तिरछी लाइन में उसको मिला देंगे नीचे तक। और फिर जैसी मार्किंग की है उस हिसाब से हम बिल्कुल कपड़े की कटिंग करते जाएंगे। इस तरीके से सारे कपड़े की कटिंग करनी। कटिंग हो रही है, आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, कटिंग के बाद कपड़ा ये जो एक्स्ट्रा था उसको अलग कर देंगे और कपड़े के जो पार्ट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ये सारे पार्ट्स चार चार हैं, तो जिसमें से 2 रहेंगे फ्रंट के लिए और 2 रहेंगे बैक के लिए। देखिए, मैं इनको खोल के दिखाती हूँ आपको कुछ इस तरीके से। और फिर ये इस तरीके से ही हम इनको कुछ नहीं करना, बस इनको ज्यों के त्यों ये सीधे को ऊपर उल्टा रख के अटैच करना है। देखिए इस तरीके से ये 2 पार्ट मैंने अलग कर ली और ये जो 2 पार्ट मैं आपको जोड़ के दिखा रही हूँ वो फ्रंट के लिए रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इस छोटे से टक्स वाले पार्ट को जोड़ेंगे। तो इसको सीधे के ऊपर उल्टा रखना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद ये जो है ये यहाँ पे चुन्नट वाला पार्ट था, तो इस तरीके से हम पहले 2 कच्ची सिलाइयाँ लगाएंगे और 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम देखिए इसमें आराम से ही हो जाएगा। बस 2 सिलाइयाँ लगाएंगे और जो सिलाई लग जाएंगी फिर जो है ऊपर वाले धागे को हम खींचेंगे। आप किसी तरीके से धागे को सुलझा लें और ऊपर वाले धागे को खींचें। इससे क्या होगा, आराम से प्लेटें छोटी सी चुन्नटें बन जाएंगी। तो धीरे धीरे से हम धागे को आराम से खिसकाते हुए दोनों धागों को पकड़ के खींचेंगे जिससे हमारी चुन्नटें अच्छी बने। तो कुछ इस तरीके से चुन्नटें बनने के बाद हमें हमारा फिटिंग का पहले हम निशान लगाएंगे। ये एक बराबर करेंगे पहले चुन्नटें, फिर फिटिंग का निशान लगाया और उसके बाद इसको उल्टा रखते हुए इस पर सिलाई लगा देनी। कुछ इस तरीके से उल्टा रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। अब सिलाई लगाने के बाद कुछ हमें ये इस तरीके से नज़र आएगा। इसमें छोटी सी प्लेट जो कि कुछ अच्छा लग देंगे, हमारी ड्रेस को थोड़ा सा डिफरेंट भी लगेगा। और अब देखिए एक साइड का जो है वो जिस तरीके से हमने रेडी करा है
उसी तरीके से सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं करने क्योंकि कटिंग भी सेम है और स्टिचिंग भी सेम ही रहेगी। तो इस तरीके से हम दूसरी साइड वाला पार्ट भी स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से बैक साइड में जो दो पार्ट हैं उनको भी स्टिच कर लेंगे। बस अंतर ये है कि फ्रंट में हमें दोनों पार्ट को एक साथ नहीं जोड़ना और बैक में जोड़ देना है। तो सिलाई लगा के हम रेडी कर लेंगे, अटैच कर लेंगे अच्छे से पार्ट को। ये देखिए मैंने ऊपर वाला पार्ट करके जोड़ के बताया है आपको। ये सिलाइयाँ लगाई हैं जो ऊपर टक्स वाला पार्ट कट करा था उसकी ही स्टिचिंग है। इस तरीके से ये स्टिच हो जाएगा। और फिर हम ये गले के लिए पट्टी काटी थी हमने उसको अटैच कर लेंगे और फिर इसको पलट के सिलाई लगा देंगे। और ऐसे ही ये 2 इंच की पट्टी काट के हम बटन के लिए रेडी करेंगे। ये देखिए ये जो पट्टी है ये मैंने आपको वीडियोस का नहीं बताया स्टिचिंग का, लेकिन ये सिंपल है, 2 इंच की पट्टी काट के आप लगा देना। तो कुछ इस तरीके से देखिए हमारे 2 पार्ट तो रेडी हो गए हैं। ऐसे ही हम बैक साइड के 2 पार्ट जोड़ लेंगे। देखिए अब इसमें क्या करना है, आपको बटन अटैच करनी है और काज करनी है। और फिर और क्या करना है, जो नीचे वाला जो कट करा था उसको डबल फोल्ड करके ये यहाँ से डबल सिलाई लगा देंगे। और फिर ये है जो ये हमारा ऊपर का पार्ट है, कुछ इस तरीके से ये लगाएगा।